डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो रात की नींद है वो ठीक नहीं है अटेंशन फोकस फर्क पड़ सकता है आपकी मेटाबॉलिज्म फर्क पड़ सकती है शुगर को बचाने की शक्ति में फर्क आ सकता है ब्लड प्रेशर हाई जा सकता है अगर वो सो नहीं पाता तो जितना अगर हम कोशिश करेंगे सोने की उतनी नींद भाग जाएगी मनवीर मैम आप एक स्लीप डॉक्टर हो और वो भी सुपर स्पेशलिस्ट हो तो हमारे इंडिया में कई घरों में और कई मतलब फ्रेंड सर्कल में कई सारे स्लीप रिलेटेड अफवाहें होती है कई सारे मिथ्स होते हैं तो मैंने दस पंद्रह अपनी कम्युनिटी से मैंने उठाया और मैं चाहूंगा कि आप उन्हें डिबंक करिए सबसे बड़ा मिथ मेरे हिसाब से ये है कि कोई भी हमारे नेटवर्क में होता है जो कहीं भी कभी भी सो जाता है तो लोग उसे ईर्ष्या करते हैं कहते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए यार कहीं भी ये सो पाता है तो ये हेल्दी होता है कि नहीं ये मैं आपसे जानना चाहूँगा नहीं नहीं ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता ये समझा जाता है कि बहुत अच्छी एक स्पेशलिटी है या बहुत अच्छे तरीका है बट ये नहीं है क्योंकि ये डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो रात की नींद है वो ठीक नहीं है और मैम ऐसे ही दूसरा एक मित होता है कि कोई लोग खाली पाँच या चार घंटे ही सो पाते हैं और वो लोग मतलब सीना ठोक के बोलते हैं कि भाई मुझे तो चार ही घंटे ठीक है तो ये एडवाइस सही है कि आपको मतलब आठ घंटे या सात घंटे की मिनिमम होनी चाहिए आपकी नींद तो नींद की रिक्वायरमेंट भी एक रेंज होता है तो कुछ लोगों को साथगा ये कुछ को आठ किसी को साढ़े आठ किसी को पाँच किसी को छः Okay. तो ज़्यादातर लोगों को 80 परसेंट को चाहिए होगा समवे बिटवीन सात और आठ साढ़े आठ के बीच सिर्फ पाँच दस परसेंट है जो दूसरी तरफ है तो सबको okay. नहीं सोचना चाहिए कि हम सभी ऐसे हैं कि हमारे को सिर्फ चार घंटे से काम चल जाएगा और दूसरा इसी के अराउंड ऐसा होता है कि अगर हम लोग कम सोते हैं तो हमारी ब्रेन और हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है मतलब हमारी काम करने की क्षमता जो हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं वो कम हो जाती है तो ये सच है कि मतलब कोई प्रोडक्टिविटी में इम्पेक्ट होता है ये पूरा सच है बिकॉज नींद में हम कुछ डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ब्रेन में बहुत सारा कुछ आ, काम होता है मेहनत होती है तो अगर वो नहीं होगा तो दिन में प्रोडक्टिविटी अटेंशन फोकस सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा और मैम एक नाइट ऑफ स्लीप डिप्रेवेशन कितना खराब हम हमारे लिए हो सकते हैं क्योंकि कई बार बोलते हैं कि एक ही एक ही ही रात में नहीं सोया ना मतलब चल जाएगा मैं वीकेंड में उसे कवर कर लूंगा तो ये, मान्यता, ये सही है कि गलत है तो अभी हमारे पास बहुत रिसर्च आ गया है कि एक रात अगर नींद ठीक नहीं है उसका शरीर पे क्या क्या असर होता है ओके okay. तो अटेंशन फोकस भी फर्क पड़ सकता है आपकी मेटाबॉलिज्म फर्क पड़ सकती है शुगर को बचाने की शक्ति में फर्क आ सकता है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई जा सकता है तो ये सब हो सकता है अब इसी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई लोग शिफ्ट वर्कर जैसा सोते हैं मतलब रात को तीन बजे सोते हैं सुबह दस बजे उठते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं भी कभी भी सो पाता हूँ जैसे हमने फर्स्ट में डिस्कस किया तो द टाइम ऑफ योर स्लीप वो कितना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं कि मैं मतलब मेरे में सिरका क्लॉक जैसा है, कुछ है नहीं मैं कभी भी कहीं भी सो जाता हूँ और मैं फ्रेश फील करता हूँ तो ये कितना सच है और कितना मतलब इंडिविजुअलिस्टिक है जो आपने अभी आगे समझाया जैसे आपने शब्द बोला सर्केडियन क्लॉक एक चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे का एक घड़ी चलता है जो कंट्रोल करता है कि नॉट ओनली स्लीप बट बाकी बहुत सारे फंक्शन जब yeah. जो yeah. एक हॉर्मोन्स हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डाइजेशन है वो सब भी कंट्रोल होता है तो अगर हमने नींद तो सात आठ घंटे कर ली बट वो टाइमिंग मैच नहीं करा तो वो सारे फंक्शंस खराब होने का बहुत ज्यादा संभवता है अब ये थोड़ी मतलब पेचीदी थोड़ी थो, थोड़ा क्वेश्चन है कि मतलब लोग बोलते हैं कि अगर आपको अपने सपने याद है तो उसका मतलब है कि वो रात आप बहुत ही अच्छा सोए हो तो इसमें क्या सच है क्या गलत है मैं आपसे जानना चाहूँगा तो सपने एक्चुअली सबको आते हैं सपने कई स्टेजेस ऑफ स्लीप में आते हैं कुछ स्टेज में जो सपने आते हैं जो हम रेम स्लीप बोलते हैं वो हमें याद रह जाते हैं और कई दफ़ा याद नहीं रहते हैं तो इसका ऐसे कुछ नींद से कोई डेप्थ ऑफ स्लीप से कोई कनेक्शन नहीं है और ऐसे ही जो हमने आगे बोला कि जितना हम लोग ड्यूरेशन में हम लोग सोते हैं तो वैसा एक ही एक ही बार में सोना और उसे टुकड़ों टुकड़ों में सोना इतने में क्या डिफरेंस होता है और क्या सही हमारे लिए होता है मतलब अगर हम लोग साइंटिफिक भाषा में इसे मोनोफिजिक बाईफिजिक और पॉलीफिजिक स्लीप कहते हैं तो एक कोई भी आम इंसान के लिए उसे क्या जानना जरूरी है कि क्या उसके लिए बेहतर होता है आइडियली हमारे को एक चंक में स्लीप चाहिए बिकॉज जो एक रात है उसमें कुछ स्टेजेस हैं और कुछ साइकिल्स बोलते हैं हम तो अगर वो साइकिल्स इकट्ठे आएंगे तब हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए एंडोक्राइन फंक्शन के लिए सब के लिए बहुत अच्छा है अगर हमने उसको टूट टूट के दो तीन हिस्सों में बांट दिया तो वो सारे फंक्शंस ठीक तरह से अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे समझा मैम अगर कोई रात को सो नहीं पाता तो जनरली उसे कहते हैं कि आप रात को मतलब आंख बंद करके रि, रिलैक्स करिए मतलब वो सोने के बराबर होता है तो ये सच है कि गलत है अगर वो सो नहीं पाता तो जितना अगर हम कोशिश करेंगे सोने की उतनी नींद भाग जाएगी तो हमको उस वेटिंग को किसी कुछ और चीज़ में सब्सटीट्यूट करना है नहीं तो वो फिक्र और बढ़ता चला जाएगा अब जो हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो मतलब जो हमारी जो ऑडियंस है वो ट्वेंटीज थर्टीज में जो मतलब गो टू लाइफ के फास्ट पेस्ट लाइफ के साथ हैं तो मैम ये लोग जनरली मैंने देखा है कि उनका मंडे टू फ्राइडे का जो रूटीन होता है स्लीप रूटीन वो वीकेंड में एकदम उल्टा हो जाता है माना कि एक दो घंटा स्ट्रेच कर लिया सुबह वेक टाइम डिले कर दिया तो ये सही होता है कि गलत होता है मतलब द डिसगुलरिटी ऑफ स्लीप टाइम एंड वेक टाइम इसका सच क्या है तो अगर कुछ बहुत लोगों का ये नोशन है कि जिसको हम बोलते हैं कैचप स्लीप तो हम कैचअप स्लीप से हम क्या गेन कर सकते हैं तो अब ये भी बहुत रिसर्च ने दिखा दिया है कि कैचप स्लीप से हमारी जो फिज़िकल थोड़ी थकावट है वो बेटर हो जाएगी ओके okay. बट तो जो अंदर बॉडी में फिजोलॉजिकल चेंजेस है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती एक तो ये दूसरा अगर हमने टाइमिंग वेरी किया फिर मंडे ट्यूज़डे हमको हमारे डेजिग्नेटेड टाइम पर नींद नहीं आएगी Hmm. जो एक सोर्स ऑफ वरी और कंसर्न हो जाता है उसको करने के लिए फिर लोग कुछ ना कुछ हेल्प लेते हैं, तो हम हैं।, तो हैं। हमारे बहुत ही कॉमन है पाऊंगा मतलब जितनी, जितनी जितनी तो ऐसे में क्या होता है कि लोग डेस्पेस हो जाते हैं मतलब काम करते करते सीधा जोन आउट जाते हैं तो वो हेल्थी होता है कि नहीं वो मैं आपसे जानना चाहूंगा इनफैक्ट अब बहुत ये स्टेटमेंट किया गया कि लेस इज़ मोर और इज मोर इज़ लेस तो अगर हम ठीक तरह से काम करें फिर एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें फिर एडिक्वेट नाइट करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं ज़्यादा होगी ना कि अदब ए राउंड के मैं 24 घंटे में से मैं 16 घंटे काम करने की कोशिश करूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो काम पे जरूर बैठेंगे प्रोडक्टिविटी में नहीं तो इसीलिए बड़ी कंपनीज ने नैप रूम्स रेस्ट रूम्स ये सारा कुछ बना दिया है ताकि लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकें और फिर एक चार्ज मिल जाए बॉडी को मैम ये बहुत कॉमन आई थिंक मैं तो नहीं कहूँगा पर ये कहते हैं कि स्लीप को रेस्ट के साथ इक्वेट करते हैं और ये लोग मानते हैं कि जब हम लोग सोते हैं तो हमारा ब्रेन एकदम बंद हो जाता है तो ये सच है कि नहीं वो मैं आपसे जानूँ नहीं ये बहुत पहले जरूर सोचा गया था कि ब्रेन जब हम सोते हैं तो ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाता है सब कुछ रुक जाता है अब तो कई सालों से रिसर्च ने बहुत क्लियरली दिखा दिया है एनिमल एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन स्कैनिंग ब्रेन की करके कि बहुत सारे एरियाज हैं ब्रेन के जो बहुत काम करते हैं जो बहुत काम करते हैं मीन्स दे आर ओनली समटाइम्स कमिंग अवेक या अलाइव एट नाइट तो मेमोरी कंसोलिडेशन हॉर्मोन फंक्शंस रजिस्ट्रेशन ये सारा कुछ रात को बहुत सफाई ब्रेन की ये सब कुछ होता है रात को दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे चलिए मिलते हैं